एक्चुअली पिछले वाले वीडियो में जो है एलिमिनेशन मेथड को हम लोगों ने इनकम्प्लीट किया था, उसका यहाँ पे कम्प्लीट करेंगे। तो मैंने बता दिया था, मैंने सिंपल बोला था कि जो एक्स का कोफिशिएंट है 5 तो उसको पूरा मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे, और एक्स के कोफिशिएंट से हमने ऊपर किया है तो एक्स के ऊपर वाले कोफिशिएंट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए 5 को सबसे और फिर 2 को सभी से करेंगे, ठीक है ना। अब सिंपल हमने मल्टीप्लाई जो किया ऊपर में तो हमारे पास ये है, फिर 2 को नीचे से करेंगे तो 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 18, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू। अब करना क्या है, देखिए इसको अलग तरीके से भी लोग बनाते हैं साइन चेंज, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ एक ही तरीके जो आपको समझ में आ रहा है प्लीज एक ही पे रखिएगा, दूसरे किसी का मिक्स मत करिएगा। जो मैं बता रहा हूँ वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसी पे फोकस करिएगा, क्योंकि आपको टीचर फिर अलग तरीके से बता देंगे, फिर पूरा का पूरा खिचड़ी पक जाएगा, ठीक है ना। एक तरीके से रखिएगा। अब सिंपल देखिए क्या करना है आपको, इसको मतलब कट करना है, तो आप क्या करेंगे, माइनस का साइन लेंगे तभी ये कट होगा, तो 10x माइनस 10x, तो आपने अगर माइनस लिया तो अब क्या है, माइनस से सभी के साथ अप्लाई होगा, यानी कि माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी, तो 15 माइनस 12y ये बचा 3y, 25 माइनस 18 7, y इज इक्वल टू क्या आ गया 7/3, ठीक है। और y की वैल्यू जब आपको आ गई तो किसी भी इन दोनों इक्वेशन में y की जगह पे रखिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई क्या है 7/3 इज इक्वल टू 5, 3 का हो गया कैंसल, 2x प्लस 7 इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 1, दोनों वैल्यू आ गए। ये आपका है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, मिला जुला कर, एक दूसरे में मिल कर, ठीक है। लास्ट आपको बच रहा है सब्स्टिट्यूशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सेम ही है, तीनों मेथड से आपके वैल्यू सेम आएंगे, ऐसा नहीं कि तीनों मेथड से वैल्यू अलग आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ किसी एक मेथड पे ही फोकस करिएगा प्लीज, क्योंकि एग्जाम में पर्टिकुलर जब किसी मेथड से बोले तभी उस मेथड से बनाइएगा, अदरवाइज किसी भी मेथड से बनाइए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग देखिए क्या, मान लीजिए कोई सेम क्वेश्चन लेते हैं 2x + 3 और 5 एंड 8x या 5x + 6y = 9, हमने एक क्वेश्चन लिया, हमें सब्स्टिट्यूशन से बनाना है, बात कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, उसके बदले, मतलब एक दूसरे को एक दूसरे पर रिप्लेस करना। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है तो 2x + 3y = 5 है, हमने क्या लिखा है 2x = 5 - 3y, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5x - 3y/2। हमने क्या किया, x को देखिए सब्स्टिट्यूट ऐसे कर लिया y के टर्म्स में, अब इस x की वैल्यूज को दूसरे वाले इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी फिर वैसे ही, मतलब x की वैल्यू आपको क्या आई है 5 - 3y/2, इसको इसमें रखिए 5 × x, x की वैल्यू है 5 - 3y/2 प्लस 6y = 9, इसमें हमने डाल दिया, x की वैल्यू उठा के डाल दी, इसे वो बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कर देना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई होगा दोनों से करेंगे तो 25 - 15y / क्या हो गया 2 + 6y = 9, यहाँ कुछ नहीं है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 और 1 के एलसीएम आप मैं यहाँ कर देता हूँ, 2 रहेगा, ऊपर वाले की वैल्यू ऐसे ही रहेगी जब डिवाइड करेंगे तो, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 - 15y प्लस 1 × 2 एलसीएम जो लेते हैं आपको पता है, 2 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे 12y = 9, तो 25 - 15 + 12 - 3y यानी कि 25 - 3y/2 = 9, फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 - 3y ऐसे ही रहेगा, 9 × 2 क्या हो जाएगा उधर 18, इधर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, तो y को उधर भेज दीजिए 25 = 7 = 3y, तो y इज इक्वल टू क्या आया 7/3, उसमें भी आया था 7/3, अभी 7/3 को किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, यानी कि जो x का यहाँ पे था इसमें डाल दीजिए 5 - 3 × 7/3 कैंसल, नीचे 2 5 - 7 - 2/2 - 1, जो वहां पे आया था वही यहाँ पे आ गया। तो सिंपल यही मेथड है, कुछ करना नहीं है आपको, आप इजीली बना सकते हैं, और याद रखिए किसी भी एक मेथड से फॉलो करके बनाइएगा, जरूरी नहीं है कि आपको सारे मेथड्स, हाँ रफ आइडिया होना चाहिए बट किसी एक मेथड से फॉलो करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसके अलावा मैंने बोला था कि कुछ स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चंस
रहेंगे, ठीक है ना। जो आपके आई थिंक बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो कुछ बुक समथिंग जो आपका एक्सरसाइज लास्ट वाले पार्ट में ऐसा कुछ दिया रहेगा। हाँ, जैसे 3.6 की मैं बात करूं तो उसमें एक एक्सरसाइज का आपका एक क्वेश्चन है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 है शायद, और दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके बुक से ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके बुक से ही है। देखो इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कहना ऐसे सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो डिफिकल्ट के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या है, देखिए 1/2x या 1/3x या 1/3y ऐसे का, इसमें जो सिमिलर टर्म्स के हैं ना उसको कुछ एज्यूम करके बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 1/2x है तो उसको हम आप देखोगे तो 1/x तो है ही, 2 इधर मल्टीप्लाई है तो 1/x इसमें भी है, इसमें देखो 1/y है, यहाँ भी देखो 1/x है, यहाँ भी 1/y, मतलब सेम टाइप का आपको एक फिगर उसमें करना है। तो अगर दोनों में ऐसा आपका क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है कि 1/x को मान लीजिए क्यू या पी कुछ भी, और 1/y को मान लीजिए भी। अब जहां जहां 1/x है, 1/x के जगह हमने क्या माना है u, तो u ऊपर हो गया, नीचे क्या रह गया 2, फिर उसी तरीके से प्लस 1/y है तो हमने क्या माना है भी, तो भी बाई क्या रह गया 3 इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को पहले मैं फर्स्ट वाले को सेव करता हूं, इसको एलसीएम लेकर आप आराम से निकाल लोगे, तो 2 3 क्या एलसीएम 6, तो क्या हो गया 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12, यानी कि क्या आया 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन आपका नया ये बन गया। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन एक और नया बनेगा, मान लीजिए इसका कुछ इक्वेशन 5u प्लस 2v इज इक्वल टू 18 कुछ भी बना, मैं अभी रफ आइडिया से दे रहा हूं। आपने फिर इसको सॉल्व किया जैसे एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी मेथड से, बस फर्क क्या है वहां कांस्टेंट एक्स और वाई था, हम यहाँ पे यू और वी में कर रहे हैं, बाद में फिर इसको एक्स और वाई में कन्वर्ट करेंगे। आपको यहाँ से यू एंड वी की वैल्यू तो मिल जाएगी, मान लीजिए यू की वैल्यू आपको 5 मिली, तो यू के जगह पे आपने क्या माना है 1/x, तो यू की वैल्यू के आप क्या रखेंगे 5, तो 1/x निकालेंगे तो 5x, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। अरे समझ, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप एक बार ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, इजीली बन जाएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और आई होप कि पूरी चीजें हो जाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग कर लेंगे। करके फिर मुझे इमीडिएट रिपोर्ट करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है।